तो डीन एम्ब्रोस के लिए काफी ज्यादा बड़ी अपडेट है WWE से रिलेटेड और उनके रिटर्न से रिलेटेड, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्पर्स का ध्यान रखते हुए आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन, चलिए वीडियो में चलते हैं। पहले तो अगर हम बात करें क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि हमें पता है डीन एम्ब्रोस कुछ मिड दिसंबर में जो कि है इंजर्ड हुए थे, शायद वो 15 से लेके 20 दिसंबर के बीच वाली कुछ रूट थी, वहां पर डीन एम्ब्रोस इंजर हुए थे और डीन एम्ब्रोस ने वहां पर जो है अपने ट्राइसेप जो है वो 50% तक इंजर करवा लिया था और उनकी जो है वो इंजरी हुई थी और WWE ने कहा था कि 9 महीने तक वापस आएंगे। अब जो है WWE का जो कि काफी ज्यादा अंदर से ब्लेड्स निकल कर आ रही थी और जो कि एक्सपर्ट्स ने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि रॉयल रंबल तक जो कि डीन एम्ब्रोस बिल्कुल ठीक हो गए थे, उनकी फिजियोथेरेपी शुरू हो गई थी और रेसलमेनिया 34 के करीब 10 से 15 दिन पहले उनकी जो कि फिजियोथेरेपी भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वापस डेली रूटीन में वापस आने के लिए। बट अब WWE जो है पता नहीं है किस वजह से कर रही है, अपनी बात पे पक्का रहने के लिए या फिर WWE किसी और चीज के लिए ईगो की वजह से या फिर WWE जो है उसे श्योर कर रही है, तो इस चीज के चलते चलते WWE ने मना कर दिया है डीन एम्ब्रोस को जल्दी रिटर्न करने के लिए और कहा है कि डीन एम्ब्रोस को कम से कम भी अगस्त तक यानी कि समर स्लैम तक जो है WWE से बाहर रहना पड़ेगा, जो कि डीन एम्ब्रोस को बात बिल्कुल भी हजम भी नहीं हो रही है, बल्कि डीन एम्ब्रोस के फैंस को भी बिल्कुल भी हजम नहीं होगी कि WWE जो है उन्हें इतनी देर के लिए बाहर रख रही है। तो इसके लिए डीन एम्ब्रोस के लिए काफी ज्यादा बड़ी अपडेट सी निकल कर आ रही है कि डीन एम्ब्रोस का जो कि कॉन्ट्रैक्ट है वो जून में 1 साल के लिए खत्म होता है, यानी कि डीन एम्ब्रोस का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है चाहे वो 3 साल का 5 साल का उनका यानी कि दूसरा या तीसरा साल जो भी है वो यहां पे जून में खत्म होता है और डीन एम्ब्रोस जो है वो WWE से रिलीज ले सकते हैं, शायद वो अप्रैल या जून में से किसी एक में है। तो डीन एम्ब्रोस अगर वहां से रिलीज मांग लेते हैं तो डीन एम्ब्रोस को 10-15 दिन में और 1 महीने में प्रॉपर जो कि है एक्टिव फाइटिंग कहीं भी वो बाहर कर सकते हैं। तो भी एक्सपर्ट्स का कहना है अगर WWE डीन एम्ब्रोस को ज्यादा तंग करती है तो WWE को जो है डीन एम्ब्रोस को रिलीज करना पड़ेगा, बिकॉज डीन एम्ब्रोस जो है रियल लाइफ में भी लुनेटिक है और इसी तरह से बहुत ज्यादा क्रेजी है। अगर डीन एम्ब्रोस ऐसा कर लेते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, अगर वो क्रेजी होकर ऐसा करते हैं तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेवकूफी है, बिकॉज डीन एम्ब्रोस को यहाँ पर बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है और जो कि वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा और डीन एम्ब्रोस को अच्छी सक्सेस स्टोरी लाइन सब कुछ मिल रहा है, डिसेंट मिल रहा है चाहे सारा कुछ, बट डीन एम्ब्रोस को यहाँ पर रहना चाहिए। तो डीन एम्ब्रोस से रिलेटेड काफी बड़ी अपडेट है, अब शायद हमें डीन एम्ब्रोस जो है प्रेशर की वजह से जल्दी WWE में देखने को मिल जाए। अगर आपको नहीं पता तो ऐसा ना WWE ने सेम डैनियल ब्राइन के साथ किया है, बट डैनियल ब्राइन को WWE ने पैसा खिलाकर चुप कराया हुआ है, पर मेरे हिसाब से जो कि ट्राइसेप इंजरी है वो इंजरी जो है बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होती, इस वजह से WWE को जो है डीन एम्ब्रोस को वापस लेना चाहिए अगर डॉक्टर एग्री कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहां तक वीडियो देख ले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन।